हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल पर जितने भी जॉब अपडेट्स आप लोगों को रेगुलर मिलते हैं, ये सभी जॉब्स आप लोगों के लिए फ्री होता है। आप लोगों को जॉब के लिए एक रुपया भी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप लोगों को क्या करना है, मैं जो भी स्टेप आप लोगों को बताता हूँ उसे आप लोगों को अच्छे तरीके से फॉलो करना है। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूँ कि मेरे चैनल पर सारे जॉब आप लोगों को लेटेस्ट जॉब मिलेंगे, तो आप लोगों को बस अप्लाई करना है और साथ ही मैं जो आप लोगों को बताऊंगा वो आप लोगों को फॉलो करना है। तो आज मैं आप लोगों के लिए ओला जैसे बड़ी कंपनी में जॉब की अपडेट लेकर आया हूं फ्रेंड, जिसमें आप लोग शोरूम में काम करेंगे। ठीक है, मतलब ओला के जो भी सर्विस सेंटर होते हैं, शोरूम होते हैं, उनमें आप लोगों को काम करना है, जिसमें ITI पास स्टूडेंट, डिप्लोमा पास स्टूडेंट, 12th पास स्टूडेंट सभी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों का जो सैलरी रहेगा फ्रेंड्स, वो आप लोगों का 18,000 से लेकर 20,000 रहेगा। और कंपनी की तरफ से आप लोगों को PF की फैसिलिटी और ESI की फैसिलिटी मिल जाएगी। पैन इंडिया के तहत यहाँ पर जॉब लोकेशन आप लोगों का है, मतलब फ्रेंड्स अगर आप लोग इंडिया में कहीं से भी हैं, आप लोग यहां पर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को डिटेल में बताता हूं कि ओला स्कूटर सर्विस सेंटर की जॉब जो है उसमें क्या आप लोगों को वर्क करना है और यहां पर क्या क्या कंडीशन रखी गई है कंपनी की तरफ से, और कैसे आप लोग गूगल फॉर्म को सही तरीके से फिल करोगे, क्योंकि कंपनी की तरफ से जितने भी आप लोगों को गूगल फॉर्म दिए जाते हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को बस ध्यान से देखना है फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को सारा डाउट क्लियर करूँगा, गूगल फॉर्म को अप्लाई करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो आप लोगों को बस इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग कंप्यूटर स्क्रीन में देख सकते हैं फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए मैंने फ्री जॉब का यहां पर अपडेट लेकर आया है, जो कि आप लोगों का ओला कंपनी की तरफ से रहने वाला है। देख सकते हैं ओला स्कूटर सर्विस सेंटर में आप लोगों का जॉब रहने वाला है। ऑल इंडिया जॉब वैकेंसी है फ्रेंड्स, और यहाँ पर आप लोगों का जो जॉब प्रोफाइल रहेगा वो आप लोगों का सर्विस टेक्नीशियन का रहेगा। ठीक है, तो आप लोगों के लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली है ओला कंपनी की तरफ से। साथ ही फ्रेंड्स देख सकते हैं पैन इंडिया लोकेशन है, और आप लोग देख सकते हैं लोकेशन आप लोगों को सारा यहाँ पर मिल जाएगा। इंडिया में आप लोग कहीं से भी है फ्रेंड्स, आप लोगों को वर्किंग लोकेशन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, आप लोग लोकेशन को चेक कर सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग लोकेशन को चेक कर लेना फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को जॉब डिस्क्रिप्शन बताया गया है, मतलब यहाँ पर आप लोगों को वर्क क्या करना है फ्रेंड्स, कि ओला कंपनी में जो भी आप लोगों का सर्विस सेंटर होता है, जो भी आप लोगों का शोरूम होता है, वहाँ पर आप लोगों को ओला के इलेक्ट्रिकल जो भी व्हीकल हैं, जैसे आप लोगों का 2-व्हीलर हो गया, उनका आप लोगों को सर्विसिंग करना होता है। कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो आप लोगों को सर्विसिंग करना होता है, तो आप लोगों को ये काम करना है और मेंटेनेंस का काम करना है वहाँ पर। साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोगों से टूल्स एंड इक्विपमेंट का यहाँ पर नॉलेज मांगा गया है, आप लोगों का टूल्स एंड इक्विपमेंट का नॉलेज होना चाहिए। सैलरी देख सकते हो 18K से 20K आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा इन हैंड, और आप लोगों को PF प्लस ESI कंपनी की तरफ से मिल जाएगा। और क्वालिफिकेशन की बात करें फ्रेंड्स, तो देख सकते हैं डिप्लोमा ITI वाले स्टूडेंट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स ऑटोमोबाइल यहाँ पर आप लोगों का ट्रेड होना चाहिए। साथ ही फ्रेंड्स आप लोगों का एक्सपीरियंस है अगर कोई ऑटोमोबाइल कंपनी में, तो आप लोगों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होने वाला है फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं कि गूगल फॉर्म को कैसे फिल करेंगे जिससे हम लोगों का सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, आप लोगों को गूगल फॉर्म में सारे डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी होंगी। और एक बात बता दूं फ्रेंड्स कि इसका जो ज्वाइनिंग है वो आप लोगों का दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को बस यहाँ पर फॉर्म को जल्दी से जल्दी यहाँ पर फिल कर देना है। तो कैसे फिल करना है वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक वॉच करें। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं कैंडिडेट नेम एज अ पर आधार कार्ड, तो आपके आधार कार्ड में जो नेम आपका मेंशन है वही नेम आप लोगों को यहाँ पर फिल कर देना है। ठीक है, उसके बाद फादर नेम यहाँ पर फिल करना है फ्रेंड्स आप लोगों को। उसके बाद आधार नंबर यहाँ पर आप लोगों को फिल कर देना है। उसके बाद आप लोगों का जो भी आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो उस डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर मेंशन कर देना है फ्रेंड्स। उसके बाद आप लोगों को अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर मेंशन कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर फिल करना है फ्रेंड्स। यहाँ पर आप अपने पेरेंट्स का भी नंबर फिल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप लोगों ने ITI कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, तो आप लोग यहां पर क्वालिफिकेशन को यहां पर फिल कर सकते हैं। साथ ही फ्रेंड्स यहां पर आप लोग जेंडर में मेल और फीमेल को आप लोग सेलेक्ट कर लें। ठीक है, उसके बाद यहां पर देख सकते हैं एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन आप लोगों को बताया गया है, यहां पर ITI, डिप्लोमा, BTEC कर रखा है आप लोगों ने, तो यहां पर आप लोग मेंशन कर सकते हैं आप लोगों ने किस ट्रेड से ITI कर रखा है, डिप्लोमा या BTEC कंप्लीट कर रखा है, वो आप लोगों को यहां पर फिल कर देना है। जैसे यहां पर देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल है, तो आप लोग यहां पर फिल कर सकते हैं। उसके बाद एक्सपीरियंस में आप लोगों को यहाँ पर फिल करना है, अगर आप लोगों का ऑटोमोबाइल कंपनी में अगर आप लोगों का यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर एक्सपीरियंस फिल करें, वरना इसमें आप लोग जीरो कर दे। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं अप्लाइड फॉर जॉब लोकेशन, तो आप लोग किस जॉब लोकेशन में जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप लोगों को उस जॉब लोकेशन को यहाँ पर फिल कर देना है, जो कि आप लोगों को यहाँ पर सारा जॉब लोकेशन यहाँ पर मेंशन किया हुआ है।
तो आप लोग यहाँ पर डिटेल को चेक कर ले, उसका जॉब लोकेशन को फिल करें फ्रेंड्स। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर ईमेल आईडी फिल करना है, जो कि आप लोगों का वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को आगे चल के काम आएगा। जो भी आप लोगों को कंपनी की तरफ से अपडेट रहेंगे वो आप लोगों के ईमेल आईडी पर ही बताया जाएगा, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोग डिटेल्स को चेक कर ले, मैंने सही से फॉर्म को फिल किया है या नहीं। उसके बाद फ्रेंड्स सिंपली आप लोगों को सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग सबमिट पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, आप लोगों के स्क्रीन में थैंक यू का मैसेज आएगा और आप लोगों को बताया जाएगा फ्रेंड्स कि आप लोगों ने जो अप्लाई किया वो आप लोगों का सक्सेसफुली अप्लाई हो गया है। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को सिंपली 1 to 2 weeks का वेट करना है फ्रेंड्स। अगर आप लोग फुलफिल करते हैं जो कंपनी को चाहिए, जो क्वालिफिकेशन चाहिए, जो एक्सपीरियंस चाहिए, वो अगर कंपनी को मिल जाता है तो आप लोगों को डेफिनेटली कंपनी की तरफ से रिस्पांस मिलता है, ठीक है। तो आप लोगों को बस वेट करना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को अच्छे से इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। ऐसे ही जॉब अपडेट्स पाने के लिए मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर ले फ्रेंड्स, क्योंकि मैं डिटेल में वीडियो लेकर आता हूँ, लेटेस्ट वीडियो लेकर आता हूँ, जो कि वेरीफाइड जॉब होता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो अगर आप लोग जॉब पाना चाहते हैं तो वीडियो को मेरे लाइक कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।